स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट किया था। आज हम टीथ के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। टीथ एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है जो लोअर एंड अपर जॉ में प्रेजेंट्स होते हैं। ह्यूमन में 20 मिल्क टीथ प्रेजेंट एंड 32 परमानेंट टीथ्स होते हैं। 4 टाइप टीथ जो हैं ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं, जिनमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। टीथ का जो मेन फंक्शन होता है क्राइसिंग, ज्वाइनिंग एंड ग्राइंडिंग होता है। ह्यूमन में जो टीथ की नंबरिंग है वो 32 होती है एडल्ट ह्यूमन में। इनका जो फार्मूला है 21 23 upon 21 23 into 2 = 32। एडल्ट में 32, बट चाइल्ड में जो टीथ की नंबरिंग होती है वो आपकी 20 होती है। तो स्टूडेंट्स, टीथ के बारे में आपको इतना जो नोट्स दे रखा है उसको लिखिए। और सेलिवरी ग्लैंड्स ह्यूमन में 3 पेयर्स प्रेजेंट्स होती हैं, पैरोटिड, सबमैग्यूलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड जो प्रेजेंट होती है वो बोथ लेटर साइड प्रेजेंट होती है, फेस के पीछे की ओर, कान के पास में, ठीक है। और ये जो ओपन होती है वक्ल कैविटी में होती है, स्टेंसन की डक के थ्रू जो है ओपन होती है। और इसके में जो है लाइसोजाइम, टाइलिन एंड म्यूकस एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये जो हेल्प करती है डाइजेशन में हेल्प करती है। लार्जेस्ट जो ग्लैंड है आपकी सेलिवरी वो यही है। सब मैग्जिलरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट होती है पोस्टर पार्ट ऑफ लोअर जबड़े के पीछे की ओर, और ये जो ओपन होती है वार्टन डक के थ्रू ओपन होती है। नेक्स्ट जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है और ओपन जो होती है ये माउथ की मतलब सरफेस पर होती है, और इसकी जो डक्ट का नाम है रीनियल बार्टन की डक्ट। इसमें टाइलिन प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया किल करता है। लीवर लार्जर ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी की, और जिसका वेट होता है 1.5 kg, और ये जो अटैच होता है डाइजेस्टिव ट्रैक से अटैच होता है। लीवर जो कंपोज होता है वो बाइलोब्स, दो पार्ट से राइट एंड लेफ्ट, लीवर सेल्स, हेपेटिक सेल्स और हेपेटोसाइट सेल्स जो है बना होता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो सीकेशन ऑफ बाइल जूस या बाइल साल्ट, जिसका कलर ग्रीनिश येलो वर्टी होता है, ये लिक्विड होता है, और ये फूड को जो है एल्कलाइन फॉर्म में बनाने का कार्य करता है। फंक्शन ऑफ लीवर देखिए आप लोग, सीक्रेट करता है बाइल जूस को, हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ फूड में, और दूसरा जो है स्टोरेज करने का फंक्शन करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ठीक है, फैट को सोल्यूबल कंडीशन में, और विटामिन को स्टोर करने में हेल्प करता है। ये कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। सीक्रेट करता है हेपेरिन, हेपेरिन जो है वो एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड में इन्वॉल्व हो जाता है। इसके साथ साथ जो है यूरिया का सिंथेसिस भी करता है। लीवर डाइजेस्टिव सिस्टम में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जिससे जो है फूड डाइजेशन में आसानी से हो सके। ये ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, और इसके थ्रू बायोरिएक्टर में बाइल जूस प्रेजेंट स्टोर होता है। पैनक्रियाज जो सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और ये कंटेन होता है मैनी एंजाइम से लाइक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। इट इज़ कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू इट्स मेन डक्ट्स के द्वारा, कॉल्ड पैनक्रियाटिक डक्ट, विच जॉइन द बाइल डक्ट टू फॉर्म कॉमन हिपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन या ड्यूडोनियम में। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये एक मिक्स ग्लैंड होती है। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट्स होते हैं, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को रिलीज करती है। इसके एंडोक्राइन पार्ट से जो है एक बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन नामक हार्मोन्स को जो है रिलीज करती हैं, और ये हार्मोन्स जो है बॉडी में ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। 4 टाइप बीटा मतलब सेल्स होती हैं, इसमें अदर हार्मोन ग्लूकागोन पॉलीपेप्टाइड होते हैं। 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में
गैस्ट्रिक ग्लैंड देखिए, दीज आर प्रेजेंट इन स्टोमच, दे सिक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन 97 to 99% वाटर एंड म्यूकस, 0.2% to 0.5% HCl, पेप्सिन एंड ड्रेनिन। म्यूकस सपोर्ट करता है स्टोमच की वॉल को, ठीक है। और HCl का जो मेन फंक्शन होता है फूड को एसिडिक फॉर्म में लाना होता है। पैंक्रियाटिक ग्लैंड देखिए, अब दिस ग्लैंड सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस एंड हार्मोन्स, ग्लाइकोगोन एंड इंसुलिन, दिस इज डाइजेस्टिव जूस विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। पैंक्रियाटिक जूस कंटेन एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन एंजाइम। तो पैंक्रियास जो ग्लैंड होती है वो पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज करती है, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है स्टोमेस होता है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।